फ्रेंड्स, सभी ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। एक्चुअल 500 गाड़ी है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि गाड़ी रनिंग में बंद हो जा रही है गाड़ी और फिर स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। तो इसको स्कैनिंग किया था, स्कैनिंग में इसका फ्यूल प्रेशर का फॉल्ट आ रहा है। तो आपको स्कैनिंग का दिखाता हूँ मैं क्या फॉल्ट आ रहा था। तो देख सकते हैं, ये स्कैनिंग किया था तो ये फॉल्ट आ रहा है। इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रेल प्रेशर एक्सीलेटेड इन मोटरिंग यूनिट मोड, रेल प्रेशर का फॉल्ट आ रहा है इसमें, मैक्सिमम रेल प्रेशर और P1B87 ये फॉल्ट आ रहा है गाड़ी में और फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बंद हो जाती है। तो इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसका इंजेक्टर खोल रहे हैं। चारों इंजेक्टर खोल के मशीन पे चेक करेंगे, इंजेक्टर चारों चेक करेंगे और इसका रेल प्रेशर का ये सेंसर भी चेक करेंगे। तो चारों इंजेक्टर खोलेंगे और इसका ये रेल प्रेशर खोलेंगे तो मशीन पे चेक करेंगे। इसका इंजेक्टर खोल दिए चारों और इसका रेल प्रेशर का ये सेंसर खोला है। वो पूरा रेल प्रेशर खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंसर दूसरा रेल प्रेशर में लगा के वहाँ मशीन पे चेक कर लेंगे। चारों इंजेक्टर खोल दिए हैं, ये इसके चारों इंजेक्टर हैं, देख सकते हैं। ये पता नहीं पहले कहाँ पर काम हुआ है, ये पूरा इधर टेफ्लॉन टेप मार के रखा है। और ये इसका रेल प्रेशर का सेंसर है, इसको भी चेक कराएंगे। तो अभी चलते हैं मशीन पे चेक करने के लिए। इसका इंजेक्टर लेकर आ गए इधर मशीन पे चेक करने के लिए। तो इसको इसमें फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग करेंगे, ऊपर ये पाइप लगाएंगे और ये सॉकेट भी लगाना पड़ता है। तो अभी इसको ऑन करेंगे, मशीन ऑन हो गई है, अभी इसको सेट करेंगे। तो अभी ये चेक हो रहा है। ये दूसरा इंजेक्टर है, हाँ, जो बैग था वो निकाल दिया, ये बैग है। अच्छा, वो पूरा फुल डायरेक्ट है, बंद कर दे के भी डायरेक्ट बताएगा, बंद कर, डायरेक्ट है, बंद कर। सुलो पे कर रहा है क्या, सुलो फायर हो रहा है, इंजेक्टर इसका रिपेयर करा लिया है। इसका तीन इंजेक्टर खराब हो गए थे तो तीनों का अंदर के सामान सब चेंज किया, नया सामान डाला है। तो अभी इन चारों इंजेक्टर को फिटिंग करेंगे, इसमें अंदर से थोड़ा कपड़ा डाल के उसको साफ़ करते हैं। पहले साफ़ करने के बाद उसको चारों इंजेक्टर फिटिंग करेंगे। फिटिंग कर दिए हैं, चारों इंजेक्टर फिटिंग हो गए और इसका एयर भी निकाल दिया है। देख सकते हैं डीजल पूरा गिरा है। तो इंजेक्टर लगाने के बाद एयर निकालते हैं सेल्फ मार के, एयर निकाल दिया है इसका। ये पाइप लगाना बाकी है, तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर का जो ये इंटरकूलर है ये भी फिटिंग कर दिया है, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे।
सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और इंजेक्टर भी बराबर हो गए, अभी इंजेक्टर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर इसमें लाइट चेक करेंगे, लाइट भी नहीं आ रहा है। मीटर में देख सकते हैं चेक इंजन लाइट या और कोई दूसरा लाइट भी नहीं आ रहा है। तो इसका इंजेक्टर का काम हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।